नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी में एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटर का हुआ खुलासा। माटीगड़ा स्थित वेबल आईटी पार्क से 5 महिला सहित 20 लोग गिरफ्तार। कई कंप्यूटर, सीपीयू और अहम दस्तावेज भी जब्त। सिलीगुड़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का अभियान। 5 महीने में करीब 25 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ जब्त। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दी जानकारी। सिलीगुड़ी में परीक्षार्थियों को ई रिक्शा के माध्यम से निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की तृणमूल श्रमिक संगठन ने की पहल। करीब 50 ई रिक्शा की गई व्यवस्था। सिलीगुड़ी में नदियों से बालू व पत्थर खनन के लिए लीज देने की मांग में श्रमिक एवं ट्रैक्टर मालिकों ने माटीगड़ा बीजीओ ऑफिस का किया घेराव। सौंपा ज्ञापन। फुलवाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में फैली सनसनी। जांच एजेंसी पुलिस। सिलीगुड़ी में 6 सूत्री मांगों के समर्थन में दार्जिलिंग जिला AIDSO का 9वां छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। कोर्ट मोड़ के पास शहीद वेदी पर किया गया माल्यार्पण। प्रधाननगर थाना की पुलिस ने जंक्शन बस स्टैंड में अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। फांसीदेवा के डांगापाड़ा में बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत। कार चालक फरार। कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक के नाजिर हाट में कर्मी सभा में हुए शामिल। कर्मी सभा से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगामी पंचायत चुनाव में विपक्ष को उम्मीदवार न मिले कुछ वैसा करना होगा। नक्सलबाड़ी के बुधकरण जोत में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक के घर में पसरा मातम। राजगंज के भुटकी हाट इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। जांच जुटी पुलिस। पैसेंजर ट्रेन से हो रही थी लकड़ी की तस्करी। वन विभाग के पाना रेंज व बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के दमनपुर रेंज के वन कर्मियों ने कालचीनी रेलवे स्टेशन में अभियान चलाकर लकड़ियों को किया जब्त। एक गिरफ्तार। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।